हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करा था कि हम लोग आपके बीईओ एग्जाम, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी साथ में करेंगे। देखिए, चांसेस हैं कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। वैकेंसी आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि आप प्री एज वेल एज मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो तैयारी पहले से करनी बहुत जरूरी है। प्लस सिलेबस ऐसा नहीं है, देखिए आप बीईओ के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है आप किसी ना किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे सिलेबस ऐसा नहीं है कि अगर ये सब्जेक्ट अभी वैकेंसी नहीं आई है, आपको लग रहा है कि 5-6 महीने बाद आ रही है तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। गाइस, आप कोई भी और एग्जाम भरेंगे तो बेसिक जीएस आपकी आती ही आती है, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस वेस्ट नहीं जाने वाली है। जिस तरीके से बोन बोन से घड़ा भरता है उसी तरीके से हम यहाँ पे एक एक एमसीक्यू से अपना बहुत सारा कंटेंट रेडी करेंगे। कुछ टॉपिक कंसेप्चुअल वाले पे भी वीडियो बनाई जाएगी, बट यहाँ पे अभी हम जो प्रिपरेशन करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, प्लस कुछ और प्रैक्टिस एमसीक्यू भी हम यहाँ पे करेंगे। ये अभी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, समझ में आए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इफ यू वॉन्ट, अगर आपको लगेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सो दैट मैं इसका एक 10-20-25 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्लान कर सकूं और हम एक लाइव सेशन में इसको रख सके। तो दैट विल डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स, वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। 74th अमेंडमेंट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला कैचवर्ड जो आपको क्वेश्चन में पकड़ना है ऐसे क्वेश्चन में, दैट इज करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। बिकॉज अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपको पता है ये जो 74th अमेंडमेंट है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 74th जो संशोधन हुआ था वो किसके रिगार्डिंग था, वो था नगर पालिका के रिगार्डिंग, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, म्युनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग था, नगर पालिका के रिगार्डिंग था। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आए थे ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचाने के लिए, जिसके थ्रू आपने पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी को, 73 में पंचायत एंड 74th में म्युनिसिपैलिटी को इंक्लूड करा था। जो पंचायत था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, वो आपने जो आपके टोटल 12 शेड्यूल है उसमें से 11th 11वीं अनुसूची का हिस्सा बना था, और ये 74th जो था वो आपकी 12वीं अनुसूची का हिस्सा बना था। तो 74th एक तो यहाँ अमेंडमेंट में मेंशन है और कहाँ इंक्लूडेड है, ये आपकी 12th शेड्यूल। टोटल कितने शेड्यूल है, टोटल कितनी अनुसूची है संविधान में, 12, तो ये 12th शेड्यूल का भी पार्ट है। थोड़ा सा नाम पढ़ते ये सब तो आपको याद आ ही जाएगा। अब इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब पहली स्टेटमेंट में वो कह रहा है इट प्रोवाइड द इंसर्शन ऑफ अ न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये आपकी संविधान में एक नई अनुसूची, दैट इज 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची को जोड़ता है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट रिकंस्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका किस तरीके से काम कर रही थी, तो यह नगर पालिका की कार्य प्रणाली की पुनः संरचना करता है, उसे रिकंस्ट्रक्ट करता है, तो बिल्कुल सही बात है। म्युनिसिपैलिटी की वर्किंग फंक्शनिंग इस सब पे ये आपका जो अमेंडमेंट था ये काम कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें, इट प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द म्युनिसिपैलिटीज, ये क्या बताता है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है कि कितना कितना वुमेन्स के लिए आरक्षण है, रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल सही है, ये रिजर्वेशन के बारे में वुमेन के लिए भी बताता है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है अमेंडमेंट, संशोधन। तो जब भी आपको संविधान में कुछ बदलना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना होता है, तो आप क्या बोलते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या करा है, अमेंडमेंट लाए हैं। तो एक आर्टिकल होता है जिसके थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हो, वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू आप संविधान में संशोधन लेके आते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये तो चलो पॉइंट्स वाला था, अगर डायरेक्टली पूछ लिया गया कि कौन सा आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मेक श्योर करता है, इंश्योर करता है, सो आपको याद रखना है दैट इज आर्टिकल 368, इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368। रेस्ट आर्टिकल हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल की मैचिंग से भी क्वेश्चन आया है कि ये टॉपिक्स है, आपको इनको सही आर्टिकल से मैच करना है। चलिए, तीन तो हमारे सही हो गए थे, हमने देख लिया। नेक्स्ट, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सम स्पेसिफाइड स्टेट, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है।
क्या ऐसा कुछ पढ़ते हुए हमने पढ़ा है कि कुछ स्टेट जैसे मान लो यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, यहीं पे आपका म्युनिसिपैलिटी वाला सिस्टम चलेगा, बाकी जगहों पे नहीं चलेगा? क्या आपने जब भी कुछ पढ़ा है तो इस तरीके का कुछ पढ़ा है कि सिर्फ कुछ जगहों पे लगेगा? तो ये तो हमने नहीं पढ़ा है, तो फोर तो सही नहीं है। देखिए, अगर आप कई बार आपकी लास्ट पॉइंट पे ही नजर चली जाती ना, और आपको पता होता कि यार ये तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, वो तो हमारी टेंडेंसी, हम क्वेश्चन को ऑब्वियस बात है 1, 2, 3 से पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी की फोर पे पहले नजर पड़ जाती है और आपको पता होता ये तो बिल्कुल गलत है, तो आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके डायरेक्ट सही आंसर पे आ सकते थे विदाउट रीडिंग द अबव 3 पॉइंट, ठीक है? लेकिन जनरली हम लोग यहाँ क्वेश्चन ऊपर से ही पढ़ते हैं, तो बाय चांस की बात है ऐसा हो गया, तो ठीक है, सारे पढ़ लिए, हमें समझ में आ गया हमारा सही आंसर क्या हो गया। हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे ए, दैट इज 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। सो आई होप एमसीक्यू समझ में आया होगा, मिक्स एमसीक्यू फॉर्म में करने वाले हैं, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जो भी आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, प्लस इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मॉक टाइप के क्वेश्चंस, यूपीपीसीएस के और एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, बिकॉज कई बार होता है कि किसी और एग्जाम में आया हुआ यहाँ पे अब आपसे पूछ ले, ठीक है? अभी एक एक क्वेश्चन का करेंगे, आज थोड़ी सी बातें भी ज्यादा हुई, मतलब बकवास ज्यादा हुई, बाकी नेक्स्ट वीडियो से इफ यू गाइज वांट तो हम लोग मल्टीपल एमसीक्यू, मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाई जाएंगी, एंड अल्टीमेटली आप लोगों का इसके थ्रू वी विल ट्राई कि आपको एक होलिस्टिक फ्री कोर्स एक ही जगह में प्रेजेंट करें, आपको कहीं से भी पेड कोर्स कुछ ना खरीदना पड़े, 10 जगहों पे ना भागना पड़े। ये चैनल आपके पूरे इस एग्जाम की, यूपीपीसीएस के बीईओ एग्जाम के पूर्ण रूप से आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।